अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद शाकरा जी, मेरे साथ मौजूद है रियल गोविंद अब्बास और शामदीप हमेशा की तरह। और अभी से इधर मौजूद एक और नई वीडियो के साथ जिसका नाम है जो एक ट्रेलर आया बीबी की लाइन का, अब वो एक वेब सीरीज की एक चीज बना रहा है। अच्छा, एपिसोड जाएंगे और उसके सारे कैरेक्टर्स जो है वो आप सही उसका नाम है पूरा। तो सीधे चलते हैं, पहले ट्रेलर देखते हैं। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत देर बाद हमारे हमारी बच्चियाँ भी हैं और हम हमेशा कहते हैं कि हम देर नहीं करेंगे, मगर देर हो जाती है। चलते हैं सीधे। हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना सपने पूरे होने से पहले उन्हें जी लेने की। नाश्ता कहाँ गया यार? अरे वाह, पोहा, फिर से पोहा। इस घर में अंडा क्यों नहीं बनता? पता नहीं कौन से गरीब खानदान में पैदा हो गया हूँ मैं। क्या बोल रहे हो? ठंड रखो ना। जिस दिन मैं बड़ा सिंगर बन गया ना, सिर्फ ऑमलेट खाऊंगा। अरे मनोज तिवारी है क्या? अब ठंड रखो, बर्फ चबा लूं। गर्मी में गोल बन जाता है, ठंड में जाना, क्योंकि ठंड में फिर रोंगटे खड़े होते। कॉफी पीते पीते वेट करें। दिल से बुरा लगता है भाई। स्कूल जाओ, इस टुच्चे से ऑफिस में क्या करेंगे? इस नौकरी के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो फिर आप ये लॉटरी ले लो। I'm sorry. तूने 11 करोड़ की लॉटरी लगी है, बताओ इन्हें। सब कुछ तो खो चुका है, पता कैसे चलेगा किसने किया है? तू रुक, मैं कुछ करती हूँ। मुझे सारी जिंदगी काम करना है बेटा। मैं कहूँ इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। पकड़ा अगने बैठेगा तो पिछवाड़े में से टट्टी की जगह प्राण निकल जाए, क्या बता? आप लोगों की लॉटरी क्या लगी, पूरे एरिया की किस्मत ही बदल। मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन करा दूंगी, मेरे बेटे की शादी करा देंगे और हनीमून। अब कहाँ, अब तो घुटने चटकते रहते हैं। कहाँ ढिंढोरा पीट रहे हो सब जगह? तुम्हारे 3 o'clock से खड़ा है, उनकी घड़ी पहनते हो क्या? भोसड़ी वालों बोला। मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी पैसे कमा लेते हैं। क्या दुश्मनी है तेरी टिकटॉक वालों से? यार वाकई बहुत शानदार, बहुत आला, बहुत सुपर डुपर। क्योंकि जिसमें वेरिएशन दिखाई है, जिसमें इतने सारे कैरेक्टर दिखाए हैं और जिसे शूट दिखाया है, मतलब फिल्म से कब फिल्म की तरह लाजवाब है ना। तो जाहिर है इसका अगर कॉन्टेंट बड़ा अच्छा होगा तो इसका किसे लिखा था दिखाई बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त। और जिस तरह शूट किया है, मतलब एक कम्प्लीट एंटरटेनमेंट वाली फिल्म की तरह मशीन है, तो देखने में बड़ा मजा आएगा। और अच्छा, तो जिस तरह इन्होंने हर किरदार निभाया ना, सुपर होता है। नहीं, लेकिन कहते हैं कि जो जो इसका जो पूरा यूट्यूब करियर रहा है वो इन्हीं सारे कैरेक्टर्स पे बेस था। लेकिन हमेशा पहले शूट करते थे ना, तो अपनी खुद से मतलब खुद करता था, शूट करता था, खुद कैरेक्टर बनाता था, तो ये वन मैन आदमी थी। लेकिन पहली मरतबा ये कुछ कर रहा है और यहाँ पर तो बहुत ही जो नहीं होता है नॉर्मल से रूटीन करने का काम कर रहा है और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब यकीनन जब ये आएगी सीरीज, एक तरीके से ये एपिसोड वाइज आएगा और ये 14 अक्टूबर से आना शुरू होगा, तो यकीनन हम सब तो जाहिर सी बात करेंगे। और ये मेरे पास ये हर हफ्ते आएगा या मंथली वाइज आएगा, आई डोंट नो दैट। लेकिन ये आ रहा है इसके चैनल पे और काफ़ी साल, मतलब काफ़ी अर्से बाद इसके चैनल पर कुछ आ रहा है। और मैं देख रहा था कि सारे जो यूट्यूब की जो कम्युनिटी है वो भी उसको बड़ा सपोर्ट करिए इसका। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि एक बंदा यूट्यूबर जो जो वन मैन शो करता था, उसने अगर कोई जीरो ड्रामा या फिल्म कैरस को और वो भी इतना ज़बरदस्त उसका शूट किया है, तो जो पोर्शन है इसके अंदर जो लोकेशन चीज़ें वगैरह की हैं, वार्डरोब वगैरह, मतलब कि टोटल कम्प्लीटली हर चीज़, कहीं भी कोई ज़रा सा भी कोई लूप नहीं रहा, कोई कोई छोटी चीज़ नहीं छोड़ी, हर चीज़ कम्प्लीट बनाई है। प्रोडक्शन भी सुपरती है भाई, सुपर है। आपके पसंदीदा है, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है इनको, और जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स है तो कहते हैं ना कि आर्ट की और फन की कोई सरहदें नहीं होती, और इस तरह के एक्टर चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो,
या दुनिया के किसी भी हिस्से में जो लोग हों जो अच्छा काम कर रहे होते हैं वो काम बोलता है और काम की और इन चीजों की कोई सराहना नहीं होती तो हम भी बड़ा प्यार करता है हम भी समझते हैं कि हमारा अपना बंदा है हमारा अपना हिस्सा है हमारा अपना पाकिस्तानी है हमारा अपना प्यारा बच्चा है लड़का है खूबसूरत सभी काम करता है काम करता है तो हम दिल से पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं राजनीति के साथ आप तैयार।